सुकमा से बड़ी खबर, एक हार्डकोर नक्सली समेत 10 नक्सली गिरफ्तार किए गए। सर्चिंग के दौरान जवानों ने इन्हें पकड़ा है। हार्डकोर नक्सली पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। दुलेड़ के जंगल से गिरफ्तारी हुई। सत्यनारायण चांडक हमारे संवाददाता सुकमा से जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी सत्यनारायण? एक बड़ी कामयाबी, 1,00,000 का इनामी और कुल मिलाकर 10 नक्सली गिरफ्तार किए गए। बता दूं कि पिछले कई दिनों से नक्सलियों के खिलाफ में सुरक्षा बल का जो ऑपरेशन है वो जारी है और इसी ऑपरेशन में एक दुलेड़ से लॉन्च किया गया था। उस इलाके में लगातार माओवादियों के मौजूदगी की जानकारी थी, जिसके बाद जो है डीआरजी और जिला बल और कोबरा की टीम भेजी गई थी और जिसमें 10 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में जवानों को सफलता हासिल हुई है, जिसमें 1 नक्सली पर 1,00,000 का इनाम है और ये सभी उस इलाके में इन माओवादियों की गतिविधियों में शामिल थे और सभी से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से जो है जेल भेजा गया है और आने वाले दिनों में उनकी पूछताछ से जानकारी लिए जवानों को उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में पूछताछ के आधार पर हो सकता है कि और भी नक्सलियों की जानकारी निकल कर सामने आए, उनकी गिरफ्तारी हो। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी ये मिली है। और कोरबा से बड़ी खबर की बात करेंगे। महादेव सट्टा ऐप के मामले में एक कार्रवाई की गई है। 8 सटोरियों की गिरफ्तारी की गई है। गोवा से 7 और कोरबा से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से 13 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 48 मोबाइल और 40 ATM भी इनके पास से जब्त किए गए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं हरियाणा के जो निवासी ऐसे 7 जो अवैध रूप से सट्टे का संचालन कर रहे थे, IPL का सट्टा चला रहे थे, उनको गोवा से गिरफ्तार किया गया है। इन सटेरियों के पास से लगभग 13 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 40 ATM, 10 चेकबुक, कुल मशरूका लगभग 25,00,000 रुपये हमने जब्त किया है। साथ ही साथ इसमें 135 खातों को भी जानकारी हमको मिली है। इन 35 खातों में से 84 खातों को अभी तक हमने सील कर दिया है। इन खातों के अंदर वर्तमान में लगभग 30,00,000 रुपए की राशि मौजूद है, जिसको फ्रीज कर दिया गया है, जिसको होल्ड कर दिया गया है। इन 7 लोगों के अलावा हमको कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं, 4 लोग अभी तक हमने गिरफ्तार किए हैं, जो अवैध तौर से अपने खातों का उपयोग IPL सट्टे के संचालन के लिए कर रहे थे। अब्दुल असलम हमारा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्दुल, एक बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस जिस तरीके से खुलासे कर रही है वो और बड़ी जानकारी है, क्योंकि बीते दिनों ऐसी ही कार्रवाई सामने आई थी और ये भी पता चला कि इसमें सेबी की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि इसी का पैसा, महादेव ऐप का पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा दिया गया था। ये भी पता चला था कि कैसे फर्जी अकाउंट खोल दिए जाते थे। ये भी पता चला था कि बिटकॉइन के जरिए भी रकम ट्रांसफर की जाती थी और एक नया खुलासा अब जो है कोरबा में सामने आया। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महादेव ऐप को लेकर बड़े मामले जो है लगातार खुलासे हो रहे हैं और उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही है और इस बार जो कोरबा पुलिस ने महादेव ऐप के M100 और M151 पैनल में IPL सट्टा लगाते हुए ये 7 जो आरोपी है उनको गोवा से गिरफ्तार किया है। वहीं सटोरियों को खाता उपलब्ध कराने वाले ऐसे लोगों को भी पुलिस ने कोरबा से गिरफ्तार किया, जिसमें उनकी संख्या 4 बताई जा रही है और ये पुलिस द्वारा जो है उनसे अलग अलग जो मसरूका है, सामान है, लैपटॉप, मोबाइल और पासबुक, चेकबुक, ATM जो है वो जब्त किए हैं और 135 बैंक खातों की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसमें 100 करोड़ से अधिक के लेन देन की बात सामने आ रही है। जांच में जो लेन देन का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। वहीं 84 खातों में 30,00,000 जो रुपए को फ्रीज पुलिस ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी है ये और बड़े खुलासे भी इस गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है होने वाले हैं। गोवा से 7 का सटोरी गिरफ्तार की गए, कोरबा से 1 पकड़ाया है और कई सारे खातों के बारे में जानकारी मिली है।